वेलकम स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर 25 जो कि है 31 अगस्त की वर्कशीट क्लास 10th की। पहले हम देखेंगे साइंस की, फिर देखेंगे मैथ और फिर अंत में देखेंगे हम हिंदी की वर्कशीट। तो हमारी जो साइंस की वर्कशीट है उसके अंदर हम देखने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू हो रहा है। आइए देखते हैं उसके अंदर क्या लिखा है। एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड ऑन ऑक्सीजन। तो ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ लिया था। एरोबिक AER एयर, तो मेरे को इससे सेंस बनती है एयर। एरोबिक रेस्पिरेशन होती है जिसके अंदर एयर का ऑक्सीजन का काम आता है, एनारोबिक होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन का काम नहीं आता। सो यहाँ पे बोला हुआ है पाथवे डिपेंड ऑन ऑक्सीजन। तो बहुत ही सिंपल सी बात बोली है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन पे डिपेंड करती है। एरोबिक ऑर्गेनिजम्स नीड टू इंश्योर दैट There is sufficient intake of oxygen. वो ऑर्गेनिज्म जो aerobic respiration पे डिपेंड करते हैं, जैसे हम इंसान, देख हमारे लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे जैसे जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन सब के लिए वो इंपॉर्टेंट है। ऑल ग्रीन प्लांट्स ब्रीद थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो हमारा और प्लांट के अंदर एक डिफरेंस है कि प्लांट जो है ब्रीद करते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसका मतलब क्या है कि प्लांट डायरेक्टली कहां से ब्रीथ करते हैं, सेल्स के थ्रू। आइए देखते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स किस तरीके से होती है। डिफ्यूजन इज द मेथड बाय विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। सो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स के अंदर इन एंड आउट होती है, उस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा एक सेल है जो प्लांट की लीव्स के ऊपर पाया जाता है। राइट साइड में आपको यहाँ पे फिगर भी दिखा रखा है, थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। तो ये जो स्टोमेटा का जो शेप है वो बीन्स की तरह होता है। जैसे जो आप शेप देख रहे हैं वो आपके राजमा जैसी आपको दिखाई देगी। राजमा अगर हम दो साथ में लगाएं तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो ये जो शेप का जो सेल है वो लीव्स के ऊपर पाया जाता है प्लांट की, जिसमें से वो रेस्पिरेट करते हैं। तो द लार्ज इंटर सेलुलर स्पेस इंश्योर दैट ऑल द सेल आर इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एयर। सो बेसिकली वो क्या करते हैं, सारे के सारे सेल जो है वो एयर से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वहां से गैसेस का एक्सचेंज हो सके। स्टोमेटा इन लीफ एंड लेंटिसिल्स इन हार्ड एंड वुडी स्टेम आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। सो सिर्फ स्टोमेटा से नहीं, कुछ हरे हरे जो पार्ट्स होते हैं, जो स्टेम होती है, जो डंडी होती है, वहां से भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। और इसके अंदर आगे दे रखा है किस तरीके से ये जो स्टेप्स हैं वो रेस्पिरेशन की। ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट रेस्पायर बट द मेन रेस्पिरेशन ऑर्गन ऑफ द प्लांट इज लीफ। मेन पार्ट जो है वो लीफ है। गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंटर लीफ थ्रू स्टोमेटा, ये हम पहले ही समझ चुके हैं। ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। तो वो रेस्पिरेशन भी करते हैं, मतलब ब्रीद इन ब्रीद आउट भी करते हैं, और साथ ही साथ फूड की मेकिंग की प्रोसेस भी होती है। हाउएवर फोटोसिंथेसिस इज द मोर विग्रेस ऑफ द टू प्रोसेस। विग्रेस का मतलब हो गया ज्यादा। तो दोनों में से सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस पे दिन के समय में, डे टाइम के समय में ये काम हो रहा होता है। ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन लीफ। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर इज टेकन इन एंड ऑक्सीजन डिफ्यूजेस आउट। तो ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लिया जाता है ऑफ द लीफ थ्रू स्टोमेटा। रात के समय ड्यूरिंग नाइट फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस को लाइट की भी जरूरत होती है। ऑक्सीजन डिफ्यूजेस थ्रू द स्टोमेटा इन टू लीफ। रात के समय प्रोसेस थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। रात के समय क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर गिवन आउट। तो इसीलिए बोला जाता है कि प्लांट्स के पास रात के समय नहीं जाना चाहिए। तो आगे पढ़ लेते हैं, कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दे रखे हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स ब्रीद बाय यूजिंग एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन। टेरेस्ट्रियल हो गए जो लैंड पे रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम भी हो गए, कोई जानवर हो गया, वो क्या करते हैं, एटमोस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब एयर से। Whereas aquatic organism, मतलब मछली हो गई या फिर कोई और जानवर हो गए, take oxygen through dissolved in water. तो वो पानी से ऑक्सीजन निकालते हैं, क्योंकि पानी के अंदर भी आपने देखा होगा H2O, ऑक्सीजन उसमें उसके मॉलिक्यूल में भी होती है, तो तभी वहां पे ऑर्गेनिज्म जी भी पाते हैं। ऑक्सीजन लेवल इज हाई इन एटमोसफेयर, ये हमें पता है ऑब्वियसली।
तभी हमें भी जब स्विमिंग करते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारी बॉडी उसके लिए अडेप्टेड नहीं है व्हेन इट इज कंपेयर टू ऑक्सीजन इन वाटर. हेंस टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म नीड नॉट ब्रीथ फास्ट. तभी हम क्या करते हैं, हम बहुत ही स्लो और हमें पता भी नहीं चलता कि हम ब्रीदिंग कर रहे हैं. वेयर एज ऑक्सीजन इन वाटर इज लेस, वेयर एज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म नीड टू ब्रीथ फास्टर. तो पानी में जो रहने वाले जो जानवर हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको ब्रीथिंग फास्ट करनी पड़ती है क्योंकि वहां पे मात्रा भी कम होती है ऑक्सीजन की. रेस्पिरेशन इन फिश कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं. द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिश इज गिल्स. गिल्स से वो रेस्पिरेट करते हैं, मतलब ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट होता है. दीज गिल्स आर कनेक्टेड विद ब्लड वेसल्स. तो जैसे कि हमारा भी क्या है, ऑक्सीजन जाती है लंग्स के अंदर और वहां से ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में उसकी एनर्जी जाती है. बड़ा लंबा प्रोसीजर है. उसी तरीके से फिशेज में भी गिल्स के वहां पर ब्लड वेसल्स अटैच होते हैं. यहाँ पर आपको इमेज क्लियर नहीं दिखाई दे रही, ब्लर्ड है. आप जब वर्कशीट आपको मिलेगी तब आप वहां पर आप देख सकते हैं. दीज गिल्स हेल्प द एक्वाटिक स्पीशीज टू यूटिलाइज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर. द गिल्स कॉन्टिन्यूसली कीप ऑन मूविंग. ये मूव करते रहते हैं इसके गिल्स. आपने देखा होगा फिशेस को, अगर नहीं देखा तो आप उसकी वीडियो एक देखें. एंड टेक्स द वॉटर थ्रू माउथ एंड फोर्स इट थ्रू द गिल्स. तो मुंह से वो पानी लेते हैं फिशेस और गिल्स से उसको निकालते हैं, और इस पूरे प्रोसेस के बीच में उसकी ऑक्सीजन वहां से लेने की कोशिश करते रहते हैं. एज वॉटर पासिस थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ द गिल्स द डिजोल्व ऑक्सीजन मूव्स इन टू ब्लड वेसल. तो वहां से ब्लड वेसल के अंदर ऑक्सीजन चली जाती है एंड ट्रेवल टू द डिफरेंट सेल एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी ऑफ द फिश. तो वहां से पूरी बॉडी के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है. द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज ब्रॉट बैक बाय द ब्लड इन टू द गिल्स फॉर एक्सपेलिंग इट इन टू द सराउंडिंग वाटर. तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी वाटर के अंदर रिलीज कर दी जाती है गिल्स के द्वारा ही. तो आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं रेस्पिरेटरी सरफेस की. क्योंकि वो क्या होना चाहिए, बहुत ही पतला होना चाहिए. इट मस्ट बी थिन. रेस्पिरेटरी सरफेस का मतलब हो गया गिल्स. आप गिल्स समझ सकते हैं इसको, गिल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं. इट मस्ट बी परमिएबल टू रेस्पिरेट गैसेस. परमिएबल का मतलब एंट्री और एग्जिट आसान होनी चाहिए वहां से, किसकी, गैसेस की. इट मस्ट बी मॉइस्ट. मॉइस्ट मतलब गीला रहना चाहिए वो, ईदर विद वाटर और म्यूकस. इट तभी हमारा, आपने देखा होगा नोज भी क्या रहता है, वो आपका मॉइस्ट रहता है. इट शुड हैव अ लार्ज सरफेस एरिया. ज्यादा होना चाहिए सरफेस, ज्यादा होना चाहिए, गहरा होना हो या ना हो, बट बड़ा होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए. इट मस्ट बी इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन. सोर्स ऑफ ऑक्सीजन का मतलब हो गया एयर या वाटर. तो एयर या वाटर के साथ उनका कॉन्टैक्ट होना चाहिए. आगे चलते हैं, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको देख लेते हैं. नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ अ प्लांट एंड ड्रॉ द डायग्राम. ओके, तो इसके अंदर यहाँ पर स्टोमेटा आपका आंसर हो जाएगा. यहाँ से आप लिख सकते हैं सेंटेंस, स्टोमेटा इन द लीफ एंड लेंटिसेल्स इन इन हार्ड एंड वुडी स्टेम आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन. तो ये पूरी लाइन आप लिख देंगे और ये डायग्राम आप इसके अंदर बना सकते हैं. तो ये हो गया आपका पहला आंसर. दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं. हाउ डू प्लांट्स ब्रीथ. तो ब्रीदिंग प्रोसेस इसके अंदर बतानी है, तो आप इसके अंदर यहाँ पर लिख सकते हैं ये पूरा का पूरा पार्ट. ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट रेस्पायर बट द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द प्लांट इज लीफ. गैसेस लाइक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंटर लीफ थ्रू स्टोमेटा. तो ये आपका आंसर नंबर टू हो गया. आंसर नंबर थ्री पे चलते हैं. डू प्लांट्स ब्रीद एट नाइट. तो हमने यहाँ पर पढ़ा था रात के समय ब्रीदिंग प्रोसेस चलती रहती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रुक जाती है. तो हम यहाँ पे सिंपल आंसर यहाँ पे लिख देंगे यस. तो यस दे ब्रीद एट नाइट, बट उसका प्रोसेस उल्टा हो जाता है. तो उन्होंने प्रोसेस पूछा नहीं है तो हम सिर्फ यस लिख रहे हैं इसके अंदर. हाउ डज अ फिश ब्रीद. तो फिश कैसे ब्रीद करती है उसके बारे में लिखना है. तो फिश के ब्रीदिंग का रेस्पिरेशन प्रोसेस यहाँ पे दे रखा है. आप इसके अंदर लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखें द रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो गिल है, और उसके बाद ये दो पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लास्ट के दो पॉइंट. तो मैं फिर दोबारा इसको एक बार हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, एक सेकेंड. पहला पॉइंट हो गया और ये आखिरी के दो से ये तीन पॉइंट, ये तीन पॉइंट.
तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 4। और आंसर नंबर 5 पे चल लेते हैं। व्हाट आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। यहाँ पे इन्होंने 5 दे रखे हैं, तो आप इनमें से 5 में से कोई भी 3 इसमें लिख लें। तो साइंस की वर्कशीट में अभी इतना ही। अभी हम चलते हैं आगे अपनी मैथ्स की वर्कशीट में। मैथ्स की वर्कशीट में आज हम देखने वाले एक नया टॉपिक इन्होंने स्टार्ट करा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके अंदर हम देखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हमने पहले पिछले चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियोस डाली भी हुई हैं बच्चों के लिए, जिसके अंदर हमने प्रूफ डाला है पाइथागोरस थ्योरम का और बीपीटी थ्योरम का। तो बच्चों ने डिमांड करी थी, तो उसका प्रूफ हमने डाल दिया है। तो प्लीज आप जाके उसको भी देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए चलते हैं, हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज किसके लिए होती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज होती है बेसिकली हमें 2 पॉइंट के बीच में जो है डिस्टेंस, उसको बताने के लिए। तो अगर मेरे पास कोई मैप के ऊपर कोई लोकेशन है और मुझे उसका डिस्टेंस ढूंढना है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा इमेज में भी दिखा रखा है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट हो गया बी, और मुझे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ढूंढना है। तो मुझे अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ढूंढना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कर सकता हूँ। तो इसका जो प्रैक्टिकल यूज है, मतलब फॉर्मूला से हम कैसे निकाल सकते हैं, वो तो अभी देखते हैं। पहले हम इसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ टिप्स दे रखे हैं, तो हम पहले इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो थोड़ा जूम कर देते हैं आपके लिए। द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट पी इन द कार्टेशियन प्लेन। यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन बोला है उन्होंने। ये जो आप एक्स और वाई एक्सिस इस तरीके से देखते हैं ना, इस प्लेन को, मतलब ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दे रखा है, ये एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाली जो लाइन होती है वो वाई एक्सिस होती है। तो इस पूरे के पूरे सरफेस को क्या बोला जाता है? कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है, विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सी होती है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो होती हैं। एक होती है एक्स एक्सिस, आप इसके पॉइंट जरूर लिख लें, और दूसरी होती है वाई एक्सिस। ओके, इज रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई। तो इस पूरे एक्स वाई जो ग्राफ होता है हमारा, उसके अंदर कोई भी अगर हमारे पास कोई पॉइंट हमें प्लॉट करने को दिया जाए, तो उसको हम एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। पहले एक्स लिखते हैं, फिर वाई लिखते हैं। आगे चल लेते हैं। एंड द पॉइंट इज नोन एज कोऑर्डिनेट। उस पूरे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करता हूँ आपने इसके पॉइंट्स भी लिख लिए होंगे। एक्स कोऑर्डिनेट, तो हमने बोला कि एक्स कॉमा वाई, तो जो एक्स होता है उसको हम नाम देते हैं एप्सिसा, ए बी एस सी आई डबल एस ए, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये दे रखा है यहाँ पर ऑर्डिनेट, ओ आर डी आई एन ए टी ई, तो इसका नाम है ये। तो नाम आपको ऐसे डिज याद रखना पड़ेगा, जैसे मेरा नाम तुषार है, आपका नाम कुछ होगा, तो आप जब मुझसे मिलेंगे आप ये थोड़ा बोलेंगे नाम अच्छा नहीं लग रहा था, मुझसे याद नहीं हो रहा, तो हम चेंज कर देते हैं। तो x का जो नाम है, x कोऑर्डिनेट का जो नाम है उसे कहते हैं एप्सिसा, और जो y कोऑर्डिनेट का जो नाम है उसे कहते हैं ऑर्डिनेट। तो ये इसके नाम हो गए, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है रिलेटेड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द पार्ट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। तो जहां पर वो x एक्सिस और y एक्सिस मिलती हैं, तो इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? ओरिजिन। इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं ज्यादातर, और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0,0 होता है, 0,0। तो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बेसिक्स हैं सारे के सारे, जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा भी होगा। एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा जीरो। तो एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है, कोई भी पॉइंट ले लो वो एक्स कॉमा जीरो होता है। एक्स कॉमा जीरो से हमारा मतलब क्या है वो सरल समझा देते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस से ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये वाला पॉइंट है 3, तो हम इसको बोलेंगे 3,0। उसी तरीके से यहां पर आ जाएगा, तो ये सपोज करो -1 है, तो ये हो जाएगा -1,0। तो बेसिकली कोई भी पॉइंट ले लो, तो इसका जो फॉर्म हो जाता है वो हो जाता है x,0, तो मतलब y,0 होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसी तरीके से जो y एक्सिस होती है उस पर क्या होता है? 0,y। तो आप खुद भी देखें, वहां पे सारे के सारे आंसर जो है 0,y के फॉर्म में आ रहे होंगे।
इसी तरीके से आपको जो यूज होगा वो होगा डिस्टेंस फॉर्मूला का। इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला किस तरीके से निकालते हैं, इसकी जो डेरिवेशन है दो पॉइंट के बीच में फॉर्मूले की, वो हम अलग से एक वीडियो में आपको दे देंगे। अगर आपको नीड होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको जानना है कि डिस्टेंस फॉर्मूला किस तरीके से निकाला गया, या फिर आप याद भी कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, दो पॉइंट होते हैं, जो पहला पॉइंट है सपोज करो पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स वन वाई वन, पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट है एक्स टू वाई टू। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसे निकाला जाएगा इस फॉर्मूले से, ये है अंडर रूट, दिख नहीं रहा होगा, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब दूसरा एक्स कोऑर्डिनेट पहला एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करो उसको स्क्वायर करो, प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो इसको अभी हम देख लेंगे किस तरीके से इसका यूज करना है अभी। तो उम्मीद करते हैं सारे के सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, और ये जो बाकी पॉइंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट तो हैं बट इतने कोई ज्यादा भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप रीड कर लें इसको एक बार। तो आइए चलते हैं वर्कशीट में क्या क्या इन्होंने पूछा है उसको देख लेते हैं। तो वर्कशीट में स्टार्टिंग में उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है जिसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर लिया क्या इसका इम्पोर्टेंस है। आगे इन्होंने फॉर्मूला दे रखा है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। आगे इन्होंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक्स कोऑर्डिनेट इज नोन एज द ऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नोन एज एब्सिसा। ये तो गलत बोल रहा है, तो पहले का आंसर हो गया फॉल्स। एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो एब्सिसा होता है और वाई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट होता है, तो पहला आंसर हो गया फॉल्स। दूसरा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो जरा इसको पहले ड्रॉ करके प्लॉट करने की कोशिश करते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने यूं बना दी, अब उसने बोला कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्सिस इस लाइन पे ध्यान देना, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट, चार कदम दूर है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां से चार कदम दूर चलते हैं, एक दो तीन चार, तो चार कदम होगा तो ये माइनस फोर हो जाएगा ना। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होना चाहिए वो होना चाहिए माइनस फोर कॉमा जीरो, माइनस फोर कॉमा जीरो, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है फोर कॉमा जीरो, तो बी का आंसर भी क्या हो जाएगा फॉल्स। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू के लिए हमें थोड़ी सी ज्यादा स्पेस चाहिए होगी, आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू में कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये पहली वाली लाइन जो है वो ए पॉइंट हो गया और जो दूसरी वाली लाइन होगी वो बी पॉइंट हो गया। तो हमें पहले क्या करना चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला पहले हम सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं ए पार्ट का कर रहे हैं, तो हमें पहले डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेना लिख लेना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। ठीक है, पहले हमें क्या करना है इसके अंदर, पहले एक्स टू एक्स वन इन सबको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक्स टू क्या है, ये सिक्स, हम यहाँ पे लिख देंगे सिक्स, माइनस एक्स वन क्या है थ्री, यहाँ पे लिख देंगे थ्री। तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर यहाँ पर आ गया प्लस वाई टू, वाई टू क्या है सिक्स, माइनस एक्स वन क्या है सॉरी वाई वन क्या है टू, तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर। तो इक्वल्स टू अंडर रूट सिक्स माइनस थ्री हो गया थ्री, थ्री स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस टू हो गया फोर, फोर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे हम रूट नाइन प्लस सिक्सटीन, नाइन प्लस सिक्सटीन हो गया ट्वेंटी फाइव, और ट्वेंटी फाइव का आंसर हो गया फाइव यूनिट। तो यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट से हमारा मतलब होता है मीटर किलोमीटर, क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो। तो आइए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर टू की तरफ, मतलब बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट में आपको सेम चीज करनी है, पहले इसके अंदर एक फॉर्मूला हम लिख देंगे और उसके बाद उसके अंदर उसकी वैल्यूज लिख देंगे। तो वैल्यू सीधा सीधा हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक्स टू क्या है यहाँ पर सिक्स, माइनस एक्स वन क्या है जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई टू क्या है वन, वन माइनस जीरो होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा सिक्स माइनस जीरो का हो गया सिक्स,
सिक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस का हो गया वन स्क्वायर, तो 36 प्लस वन आंसर आ गया रूट 37। इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो रूट 37 यूनिट आपका यहाँ पर आंसर हो गया। तो अब जल्दी से देख लेते हैं पार्ट नंबर थ्री, इसको पहले देख लेते हैं, इरेज कर देते हैं। पार्ट नंबर थ्री के अंदर जो x1 y1 x2 y2 है, पहले आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद उसके वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो वैल्यू इसके अंदर सब्सटीट्यूट करते हैं, x2 क्या है 4 माइनस माइनस 6, तो मेक श्योर जो माइनस है उसको माइनस में रखेंगे। y2 क्या है 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, रूट 4 ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, 10 स्क्वायर प्लस 0 मतलब 100, सो रूट के अंदर आ जाएगा 100, 100 रूट हो गया 10 यूनिट्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 यूनिट्स। तो आपके ये हो गए सारे के सारे क्वेश्चन नंबर टू के सारे पार्ट्स। अब हम जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में उन्होंने क्या बोला है, तो पहले उसको यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन ने क्या बोलने की कोशिश करी है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में उन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, हमें क्या करना है वाई की वैल्यू फाइंड करनी है इसके अंदर, तो अंडरलाइन कर लेते हैं। विच द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, ये दो पॉइंट उन्होंने दे रखे हैं इस 10 यूनिट, तो डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच का 10 यूनिट, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10, क्योंकि हमें तो डिस्टेंस पता है कि 10 है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। आप किसी भी पॉइंट को दूसरा ले सकते हैं, मैं इसी को ले रहा हूं दूसरा पॉइंट, तो x2 क्या है 10, 10 माइनस x1 क्या है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है y माइनस y1 क्या है माइनस 3, तो इसको माइनस 3 लिख देंगे होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। अब देखो ये रूट हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, क्या लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड से क्या होगा अगले स्टेप में करना चाहिए, यहां पर मैंने क्या कर दिया इसको स्क्वेयर कर दिया, इसको भी हम क्या कर देंगे स्क्वेयर, ये स्क्वेयर से ये रूट कट जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100। तो यहां तक अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन ये आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस इक्वेशन को, आइए चलते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहले 64 को हम क्या करेंगे उस साइड ले जाएंगे, तो बच जाएगा y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100 माइनस 64। नेक्स्ट आ गया y प्लस 3 इक्वल्स टू, इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 36। अब जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो हो जाएगा रूट, तो y प्लस 3 इक्वल्स टू 6, सो y इक्वल्स टू जब हम इस 3 को उधर भेजेंगे तो आएगा 6 माइनस 3 और y का आंसर आ गया 3, तो हमारे y का आंसर आ चुका है 3। तो इतना ही है हमारी मैथ्स की वर्कशीट में, आइए चलते हैं हम अपने हिंदी की वर्कशीट की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम आपकी हिंदी की वर्कशीट देख लेते हैं। हम ऑलरेडी इसमें पार्ट लखनवी अंदाज पे वर्कशीट कर चुके हैं, उसी की ये कंटिन्यूएशन है, कार्यपत्रक नंबर 25, ये 31 अगस्त की मंडे की वर्कशीट है। तो ये जो आपकी जो वर्कशीट है इसमें क्या क्या लिखा है, तो ये जो है आपका पार्ट 12 लखनवी अंदाज जो है यशपाल जी द्वारा लिखा गया ये जो पार्ट है उसी पर बेस्ड वर्कशीट है। जल्दी से पढ़ लेते हैं इसमें क्या है। बच्चों जैसा कि आप जान चुके हैं कि लखनवी अंदाज पार्ट यशपाल जी द्वारा लिखित एक व्यंग है, तो हमने पिछली वर्कशीट में किया था कि व्यंग क्या होता है, तो व्यंग होता है जिसमें शब्दों के द्वारा किसी का मजाक किया जाता है या फिर किसी पर कटाक्ष किया जाता है, और वो भी इस तरह किया जाता है कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे। तो ये जो पार्ट है ये भी एक तरह से व्यंग है।
इस पाठ में लेखक ने समाज में व्याप्त दिखावेपन की प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया है, सरकाज्म किया है इस पर कि हमारे समाज में कितना दिखावापन होता है, उसकी जो प्रवृत्ति होती है लोगों में, जो नेचर होता है, उस पर एक कटाक्ष, एक सरकाज्म किया गया है। इसी संदर्भ में एक लखनऊ के नवाब का उल्लेख करते हुए उन्होंने रेल यात्रा की एक घटना का वर्णन किया है। इसी पाठ का एक अंश यहाँ दिया जा रहा है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर पाठ का एक अंश दिया जा रहा है, वो जल्दी से मैं पढ़ देती हूँ। गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के एक डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, तो लेखक की गाड़ी छूट रही थी तो जल्दी जल्दी से वो एकदम से उन्होंने सेकंड क्लास का एक डिब्बा देखा और उसे खाली समझा और फटाफट से दौड़कर उसमें वो चढ़ गए। लेकिन उन्होंने जो अनुमान लगाया था कि डिब्बा खाली होगा, वो असल में खाली नहीं था। तो उनके अनुमान के प्रतिकूल, मतलब अनुमान, उनका जो एस्टिमेट, उनका जो गेस था, उसके ऑपोजिट डिब्बा जो था वो निर्जन नहीं था, खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। तो वहां पर ऑलरेडी एक कोई नवाब थे जो लखनऊ के थे और नवाबी नस्ल के थे, तो मतलब कि उनका जो हाव भाव था, उनकी जो शक्ल थी, वो ऐसा लग रहा था कि हाँ वो नवाबी नवाब है, उनकी जनरेशन, उनकी जो नस्ल है वो नवाब रही होगी। और सफेद पोश, मतलब उन्होंने सफेद कपड़े भी पहने थे और वो बड़ी आराम से, सुविधा से, कंफर्टेबली वहां पर आलती पालती मारकर, मतलब पैरों के ऊपर पैर रख के वहां पर बैठे हुए थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे, तो उनके सामने जो है उन्होंने एक तौलिए पर दो ताजे ताजे और बिल्कुल साफ चमकते हुए खीरे रखे हुए थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। तो जैसे ही वो लेखक जो है डिब्बे में अचानक से वहां पर कूद पड़े डिब्बे में, तो जो सज्जन थे, ये जो नवाब जो थे, वो तो आराम से बैठे हुए थे, उनकी आंखों में बिल्कुल एकांत चिंतन था, मतलब सोच में डूबे हुए थे। और जैसे ही लेखक एकदम से वहां कूद पड़े तो उनकी आंखों में ये जो विघ्न पड़ गया था, उनकी आंखों में ये विघ्न जो था वो साफ दिखाई दे रहा था कि इस विघ्न पड़ने से वो कितने असंतोषित हैं, वो कितने परेशान है, डिससैटिस्फाइड है। हो सकता है सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। तो लेखक कह रहे हैं, यहाँ से पता चलता है कि लेखक जो है वो कहानी लिखने के बारे में सोच रहे थे और आइडिया जो है वो ढूंढ रहे थे। तो उन्हें देखकर लेखक ने ये सोचा, उन्हें लगा कि क्या पता ये भी कोई कहानी लिखने के लिए कोई सोच विचार कर रहे हों और उसी की चिंतन में डूबे हों। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, तो नवाब साहब की शक्ल पे साफ दिख रहा था कि वो नहीं चाह रहे थे कि उनके अलावा उस डिब्बे में कोई और आए। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। तो जो लेखक भी जो थे उन्होंने इस तरह से ये नहीं दिखाया कि वो जो है वो इस तरह से अचानक से घुस आए हैं इस डिब्बे में, तो ताकि उन्हें वो गिल्ट फीलिंग ना हो, इसलिए वो जो है आत्मसम्मान में, मतलब कि उन्होंने उनकी आंखों में देखा ही नहीं, क्योंकि अगर वो आंखों में देखते तो उनकी गलती, उनकी चोरी पकड़ी जाती। तो इसलिए लेखक भी जो है उनके सामने ही बैठकर और इधर उधर देखने लगे, उन्होंने उनकी तरफ नहीं देखा। तो यही आपका जो पाठ का अंश है वो दिया गया है। जल्दी से देख लेते हैं कि आपके प्रश्न कौन से हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, इस कहानी में लेखक ने किस प्रवृत्ति पर व्यंग किया है। ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ किस पर व्यंग किया है, तो आप यहाँ से इसका उत्तर लिख सकते हैं, आपको ऑलरेडी इसका उत्तर मिल जाना चाहिए। तो इस पाठ में लेखक ने समाज में व्याप्त दिखावेपन की प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया है। आगे चलते हैं प्रश्न दो पर। प्रश्न दो कहता है, लेखक जो है वो क्या सोच कर किस डिब्बे में चढ़ गए। ऑलरेडी मैं आंसर आपको बता चुकी हूँ कि लेखक जो है वो सेकंड क्लास के एक डिब्बे को खाली समझकर, क्योंकि उन्हें लगा वो खाली है इसलिए वो उसमें चढ़ गए। प्रश्न तीन आपका क्या है। प्रश्न तीन कहता है, डिब्बे में चढ़ते ही लेखक ने क्या देखा। तो डिब्बे में चढ़ते ही उन्होंने क्या देखा, यहां से आप ये उत्तर लिख सकते हैं, डिब्बे में चढ़ते ही लेखक ने देखा। पहले आप ये लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे, एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे और सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। ये आप लिखेंगे। उसके बाद चलते हैं आपके प्रश्न चार पर। आखिरी प्रश्न है आपका, एक एक्टिविटी है, उपरोक्त गद्यांश में जहां आपको लगता है कि इस पंक्ति में कटाक्ष या व्यंग किया गया है, उन पंक्तियों की पहचान कर लिखिए।
तो आपको यहाँ पर वो पंक्ति पहचाननी है जिसमें लेखक ने थोड़ा सरकैज़म किया है, कटाक्ष किया है, व्यंग किया है। तो ये वाली जो पंक्ति है, सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, तो यहाँ पर वो व्यंग कर रहे हैं, वो इन्हें भी अपनी तरह लेखक मानते हुए उनका मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो नवाब साहब जो थे वो ऐसे लग नहीं रहे थे कि वो ऐसा कुछ लिखते लिखते होंगे, लेकिन फिर भी एक तरह से सरकैज़म करते हुए लेखक ने कहा कि सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। तो ये वाली पंक्ति आप यहाँ पर उत्तर चार में लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई और पंक्ति आपको लगती है कि उसमें लेखक ने कटाक्ष किया है, सरकैज़म किया है, या व्यंग किया है, मजाक किया है, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हमारे हिसाब से यही पंक्ति है जो इस उत्तर में आ सकती है। उम्मीद करते हैं ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, साथ ही अपने फ्रेंड से भी ये वीडियो पूरी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।